गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट शिक्षण अधिगम, अधिगम और शिक्षण में हमारे जो शिक्षण के जो घटक चल रहे हैं उसमें घटक के अंतर्गत कक्षा का वातावरण, कक्षा का वातावरण, इसमें हमने इससे पहले वाले वीडियो में कक्षा के वातावरण के अंतर्गत जैसे उच्च शिक्षा का स्तर, स्थायी अधिगम, छात्रों की कक्षा कक्ष में 100% उपस्थिति, छात्रों की आवश्यकता पूर्ति, छात्र एवं शिक्षक के मध्य विश्वास, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान, शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग, इनके बारे में हम पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज अभी हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है शिक्षण सूत्रों का प्रयोग। शिक्षण सूत्रों का प्रयोग यानी कक्षा के सकारात्मक वातावरण के अंतर्गत शिक्षण सूत्रों के उपयोग से सकारात्मक कक्षा का वातावरण, सकारात्मक कक्षा वातावरण का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत शिक्षक सर्वप्रथम विभिन्न प्रकार के शिक्षण से संबंधित जो सूत्र है उन सूत्रों का प्रयोग करता है और प्रयोग करके छात्रों को आत्म गौरवान्वित करता है और इसके पश्चात उनको कठिन तथ्यों का ज्ञान कराता है। जैसे विद्यार्थी जिन कठिन तथ्यों को जानना चाहते हैं उनकी ओर शिक्षक सरल से कठिन की ओर बढ़ता, यानी विद्यार्थी जो पहले जिस चीज की जानकारी रखता है उसको बताते हुए नवीन ज्ञान प्रदान करता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। इस प्रकार से शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हुए कक्षा कक्ष का जो वातावरण है, कक्षा कक्ष के वातावरण को सकारात्मक बनाता है। उसके बाद है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अब कक्षा कक्ष के सकारात्मक वातावरण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश होता है। इसमें छात्र एक दूसरे के सहयोग के आधार पर कार्य करते हैं कि वे कक्षा में छात्र है तथा उनका कर्तव्य है। यानी सकारात्मक वातावरण से तात्पर्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तात्पर्य कि कक्षा का जो वातावरण सकारात्मक रूप से इसलिए होता है कि छात्र जो है वह कोई भी कार्य करते हैं तो एक दूसरे के सहयोग से करते हैं, क्योंकि वह यह समझते हैं कि कक्षा के वह छात्र है तथा उनका यह कर्तव्य बनता है कि हम इनका सहयोग करें। इसके साथ साथ छात्रों में जातिगत है, धर्मगत है, जो द्वेष भाव होते वह नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक कक्षा में या कोई भी क्लासरूम हो उसमें सभी जाति के सभी धर्म के विद्यार्थी एक साथ पढ़ते हैं, किंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण को देखते हुए उनको ये पता रहता है कि सभी हम एक समान है और उनमें जातिगत और धर्मगत जो द्वेष भाव होता है वह नहीं होता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि कक्षा का जो वातावरण है, कक्षा के वातावरण में जो अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है, इन सब का उन्मूलन होता है। यानी बच्चे इनमें विश्वास ही नहीं करते हैं। अंधविश्वास हो, रूढ़िवादिता हो, दकियानुसी बातें हो, बेकार की बातें हो, उन सब में ये विश्वास नहीं करते तथा वह सब मिलकर एक जो स्वस्थ परंपराएं होती है, जो स्वस्थ दृष्टिकोण होता है, उस स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास करते हैं। इसके बाद आता है आधुनिक उपकरणों का उपयोग।
आधुनिक उपकरणों का उपयोग। अब आधुनिक उपकरण यानी कक्षा कक्ष के वातावरण को सकारात्मक स्वरूप में आधुनिक उपकरण जो होता है, आधुनिक उपकरणों का उपयोग होता है। जैसे वर्तमान समय की जो परिस्थिति हम देख रहे हैं, उन परिस्थितियों के आधार पर जो आधुनिक उपकरण जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इन सब के माध्यम से विद्यार्थियों को इन उपकरणों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे कि इन सब में वह इंटरनेट का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करते हैं। क्यों कंप्यूटर के माध्यम से उसमें इंटरनेट का उपयोग करते हैं और इंटरनेट के माध्यम से उनको जो वांछित सूचनाएं हैं, जो शिक्षा से संबंधित उनको जो मैटर चाहिए, जो सामग्री चाहिए, वह इंटरनेट के माध्यम से एकत्रित करते हैं और सूचनाएं प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कक्षा कक्ष की जो गतिविधियां हैं आधुनिक उपकरणों के प्रयोग से छात्रों के लिए आकर्षण का केंद्र बनती हैं और वह ये सोचते हैं कि कक्षा कक्ष में जो उपकरण काम में लिए जा रहे हैं वह उनके लिए कितने उपयोगी सिद्ध होते हैं। इसलिए आधुनिक कक्षा कक्ष का सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए शिक्षक द्वारा विभिन्न प्रकार के आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि उनके क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, उसी रूप में निर्मित होता है। फिर है स्वस्थ परंपराओं का विकास। स्वस्थ परंपराओं का विकास। स्वस्थ परंपराओं इन द सेंस कक्षा कक्ष वातावरण में स्वस्थ परंपराओं का विकास होता है। छात्रों के साथ समानता और निष्पक्षता का व्यवहार किया जाता है, यानी शिक्षक द्वारा सभी विद्यार्थी के साथ समानता और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात रहित उनके साथ व्यवहार किया जाता है और प्रत्येक विद्यार्थी को, कक्षा में जितने भी विद्यार्थी हैं, उन सब प्रत्येक विद्यार्थी को अनुभव कराया जाता है कि कक्षा कक्ष में उनका कोई न कोई अस्तित्व है। और ये सब कब होता है? जब एक शिक्षक सभी विद्यार्थियों के साथ समानता से और निष्पक्ष होकर कार्य करे और समानता का व्यवहार करे। इसके साथ साथ छात्रों में अपने कर्तव्य के प्रति बोध एवं सामाजिक गुणों का विकास संभव होता है। जब शिक्षक द्वारा ये कार्य किया जाएगा तब विद्यार्थी में भी उनके जो कर्तव्य है उन कर्तव्यों के प्रति वह जानकारी प्राप्त करेंगे और सामाजिक जो गुण है, जैसे आपस में मिलजुल कर रहना, इस प्रकार के जो गुण है, उन गुणों का विकास विद्यार्थियों में होगा। उसके बाद है छात्रों का सर्वांगीण विकास। छात्रों का सर्वांगीण विकास। अब जो है एक सकारात्मक कक्षा कक्ष में उन सभी गतिविधियों को स्थान दिया जाता है जो कि छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है और उनके विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। जैसे कक्षा कक्ष में शैक्षिक गतिविधियों के साथ पाठ्यक्रम सहगामी जो क्रियाएं होती है उनको संपन्न करने के अवसर दिए जाते हैं, जिससे छात्र सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी सीखते हैं। क्योंकि विद्यार्थी केवल पाठ्यक्रम का ज्ञान प्राप्त करेगा तो उसमें व्यवहारिक ज्ञान नहीं आएगा, इसलिए सैद्धांतिक शिक्षा के साथ सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ उनमें व्यवहारिक ज्ञान भी होना आवश्यक है। और ये कब होता है? जब पाठ्यक्रम के साथ साथ पाठ्यक्रम से संबंधित जो सहगामी क्रियाएं हैं, जो गतिविधियां हैं, जो अन्य प्रकार की गतिविधियां हैं, जैसे प्रतियोगिताएं वगैरह होती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होते हैं, इस प्रकार के जो कार्यक्रम है उनको आयोजित किया जाता है पाठ्यक्रम के साथ साथ। इसी के साथ जब शिक्षक द्वारा ये कार्य किया जाता है तो विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास संभव होता है और इसके माध्यम से सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। फिर समायोजन की क्षमता। समायोजन की
क्षमता, यानी समायोजन क्षमता का विकास भी सकारात्मक वातावरण को जन्म देता है। विद्यार्थी अपने आप को उस वातावरण में समायोजित करते हैं तो जो सकारात्मक वातावरण है उस सकारात्मक वातावरण को जन्म देता है। बालक जब सामूहिक कक्षा कक्ष में विविध प्रकार की गतिविधियां संपन्न करता है, सबका सहयोग करता है, मिलजुल कर रहता है, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखता है, तो वह अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है और दूसरे के जो संवेग होते हैं उनको समझना सीख जाता है। तो इस प्रकार से उनके समायोजन से संबंधित जो क्षमता है उस समायोजन से संबंधित क्षमता का इसके अंतर्गत विकास होता है कि दूसरे विद्यार्थियों को जवाब कैसे देना है, कैसे अपने संवेगों को नियंत्रित रखना है, दूसरे के भावों को, दूसरे के संवेगों को कैसे समझना है। उसके बाद है वैचारिक स्वतंत्रता। वैचारिक स्वतंत्रता, अब इसमें जो है सकारात्मक कक्षा कक्ष वातावरण में छात्रों को अपने विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, क्योंकि कक्षा कक्ष का वातावरण जब लोकतांत्रिक रूप में होता है, लोकतंत्र में क्या होता है, अपने अपने विचार सभी को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। ऐसे ही कक्षा कक्ष का वातावरण तभी सकारात्मक बनाया जा सकता है जब प्रत्येक बालक को अपने अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता हो तथा शिक्षक द्वारा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सकारात्मक रूप में दिया जाता हो। जब बालक किसी भी प्रश्न को शिक्षक से करता है तो शिक्षक का यह कर्तव्य बनता है कि वह विद्यार्थियों को संतुष्टिपूर्ण तथा सकारात्मक रूप में उनको जवाब दे। इसे छात्र की और ज्ञान पिपासा शांत होती है, क्योंकि जब विद्यार्थी किसी क्वेश्चन को करते हैं जिज्ञासावश, जब तक हम उसको सकारात्मक रूप में और संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं देंगे तब तक हम उनकी जिज्ञासा को शांत नहीं कर सकते। और जब उनकी जिज्ञासा शांत होती है और दूसरी ओर शिक्षक के प्रति उसका विश्वास होता है कि हमने जो क्वेश्चन किए हैं वह हमें इन्होंने संतुष्टिपूर्ण तथा शांतिपूर्वक जवाब दिया है, इसलिए विद्यार्थियों का शिक्षक के प्रति विश्वास विकसित होता है। तो इससे हम ये स्पष्ट करते हैं या स्पष्ट होता है कि सकारात्मक कक्षा कक्ष का वातावरण सर्वोत्तम स्वरूप छात्रों को चहुमुखी विकास एवं आधुनिक परंपराओं के निर्माण से संबंधित होता है, जो कि वर्तमान समय में छात्रों के योग्य सामाजिक और वैश्विक सदस्य के रूप में प्रतिष्ठित करती है। यानी कुल मिलाकर सकारात्मक उसमें वातावरण के अंतर्गत कक्षा कक्ष का जो वातावरण है, सकारात्मक सोच में कक्षा कक्ष का जो वातावरण होता है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण हाथ होता है और विद्यार्थियों का इसके द्वारा चहुंमुखी विकास किया जा सकता है। अब है आज का आपका गृह कार्य। कक्षा कक्ष में सकारात्मक वातावरण के लिए कौन कौन सी गतिविधियां कराई जा सकती है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।